Question number two है जी, three persons A, B and C wants to start a business with the sharing of rupees 6,000, 8,000 and 14,000 rupees respectively. Decide the ratio of profits among these persons. अब जो है इनके दरमियान जितनी ही cost की ratio होगी वही हमारे पास जो है वो profit की ratio निकलेगी. यानी कि जितनी amount वो invest कर रहे हैं उसकी अगर हम simplest form में ratio find out कर लें तो वही हमारे पास उसकी क्या निकलेगी, प्रॉफिट की रेशियो निकलेगी. तो हमने रेंज किया जी 6,000 ए ने इन्वेस्ट किया, 8,000 बी ने इन्वेस्ट किया और 14,000 जो है वो सी ने इन्वेस्ट किया. तो सबसे पहले बेसिकली 1,000 में तो ये डिवाइडेड बाय 1,000 हमने इसे डिवाइड किया तो ये 3 जीरोज यहाँ से कट गए, रिमाइंडर इज 6, 8 एंड 14. अब ये तीनों नंबर इवन है तो डिविजिबल बाय, यानी कि टू पर डिविजिबल है. 2, 3 are 6, 2, 4 are 8 and 2, 7 are 14, 3, 4 and 7. ये रेशो बन रही है जी इनके प्रॉफिट की. यानी कि अगर टोटल अमाउंट को ऐड किया जाए तो उस अमाउंट के जो 3 पार्ट्स हैं वो ए पे जाएंगे, 4 पार्ट्स जो है वो बी के लिए और 7 पार्ट्स जो है वो सी के हिस्से में आएंगे.